ज़ वेलकम टू सेकेंड पार्ट ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट फर्स्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट फर्स्ट में आप लोगों का स्वागत है उसके सेकेंड पार्ट में एंड uh, हम लोगों ने पढ़ा था वॉट इज माइक्रोफो एंड वट इज़ लाउड स्पीकर सो लाउड स्पीकर माइक्रोफोन्स के बारे में पढ़ चुके थे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स माइक्रोफोन्स के प्रकार कितने हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइक्रोफोन्स के प्रकार पढ़ने हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं तो so, हम लोग के सिलेबस में जो है मेनली तीन टाइप्स के बताए गए हैं कार्बन माइक्रोफोन कार्बन माइक्रोफोन मूविंग कॉयल माइक्रोफोन कॉयल माइक्रोफोन और कॉर्डलेस माइक्रोफोन कॉर्डलेस माइक्रोफोन और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट माइक्रोफोन्स होते हैं जैसे लेवलियर माइक्रोफोन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नावर डेज बिकॉज एवरी वन आई यूजिंग दिस माइक्रोफोन वैन दे आर गोइंग इन एनी ऑडिटोरियम नोट ऑडिटोरियम या वी कैन से ऑन द स्टेज दे यूज

बटन क्या कर का ठीक है तो वैन फाइन कार्बन ग्रेनुअल्स एनक्लोज इन अ केस जब कार्बन के कड़ीका किसी केस में बंद कर दी जाती हैं आर सब्सैक्टेड टू प्रेशर वेरिएशंस जब उनको बंद कर दिया जाता है तो तो वो प्रेशर क्रिएट करती हैं दी आर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्रेन्यूल वेरियट्स जिसके कारण उसके जो ग्रेनुअल्स हैं वो वेरी करने लगते हैं जब कार्बन ग्रेनुअल्स पर हाई प्रेशर रहता है तब कंप्रेशन होता है जब कार्बन ग्रेनुल्स पर जब कार्बन की कणिकाओं पर हाई प्रेशर लगाया जाता है तो क्या होता है उसमें कंप्रेशन होता है जब उन, उनको उन पर लो प्रेशर लगाया जाता है तो उन पर रेयर फ्रैक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है कंप्रेशन नॉट नॉट रिफ्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन होता है एट डिफरेंट प्रेशर्स कार्बन ग्रेनुअल्स हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पे कार्बन का जो ग्रेनुअल्स है कार्बन की जो कणिकाएँ हैं उन पर डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं ठीक है तो ये इनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है इसमें क्या होता है कार्बन माइक uh, जो है फॉर इम्पिडेंस मैचिंग वी यूज ट्रांसफार्मर इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है इम्पिडेंस मैचिंग के लिए इसमें स्प्रिंग लगा होता है मेटल का डायाफ्राम होता है और मेटल पिस्टन लगाए जाते हैं और मूवेबल प्लेट होती है एक प्लेट जो मूवेबल होती है और एक प्लेट एक प्लेट जो होती है फिक्स्ड होती है जो एक प्लेट जो फिक्स्ड होती है वो बैटरी से अटैच होती है जहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होता है और जो प्लेट मूवेबल होती है वो डायाफ्राम से अटैच्ड होती है इट्स ऑल्सो नोन एज़ कार्बन बटन माइक्रोफोन ये जो कार्बन माइक्रोफोन होता है इसे कार्बन बटन माइक्रोफोन के भी नाम से जाना जाता है इट हैज़ टू मेटल प्लेट्स इसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं जो सेपरेट्स होती हैं बाई द ग्रेनअल्स ऑफ कार्बन जो कार्बन की कड़िकाओं सेपरेटेड होती हैं एक प्लेट अत्यंत पतला होता है जिसे डायाफ्राम कहते हैं जो प्लेट एकदम पतला होता है उसे डायाफ्राम कहते हैं और इट्स वाइजली इट्स वाइडली यूज इन टेलीफोन सिस्टम इसका जो कार्बन माइक्रोफोन का यूज़ है टेलीफोन सिस्टम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है टेलीफोन सिस्टम में इसे बटन माइक्रोफोन भी कहते हैं और जो सबसे पहला माइक्रोफोन बनाया गया था वो एटीन एट में बनाया गया था जो कि कार्बन का था जो सबसे पहला माइक्रोफोन बनाया गया था वो कार्बन का बना हुआ था जो कि 1878 में बनाया गया ठीक है तो देर आर वर थ्री साइंटिस्ट जब उन्होंने जब बनाया था इस माइक्रोफोन्स को तो देर वर थ्री साइंटिस्ट देयर नेम्स देयर नेम्स आर डेविड एडवर्ड हक्स इट्स वन नेम एंड एमिल बर्लिनर आई थिंक थॉमस एडिशन उस समय इस कार्बन माइक्रोफोन्स को ट्रांसमीटर कहा जाता था जब ये बना था तो उस टाइम इसको कार्बन माइक्रोफोन नहीं कहते थे उस टाइम इसको ट्रांसमीटर कहते थे जब कार्बन की कड़ीकाएँ जब कार्बन की ग्रेनुअल्स को कंप्रेस किया जाता है तो उनका रेजिस्टेंस घटता है और जब उन्हें कंप्रेस नहीं किया जाता है जब उन पर लो प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे कंप्रेशन नहीं रेयर फ्रैक्शन होता है तो वहाँ पे उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है दिस इज़ पॉसिबल जस्ट बाय कंप्रेसिंग ग्रेनुअल्स कम टुगेदर मींस क्लोजेस्ट टुगेदर ये इसीलिए पॉसिबल होता है उनका रेजिस्टेंस इसलिए घटता है क्योंकि हम लोग ग्रेनुअल्स को कंप्रेस करते हैं इसी कारण उनका रेजिस्टेंस घट जाता है तो ये हो गया कार्बन माइक्रोफोन के बारे में इनका एप्लीकेशन जो है हयर्स लेस यूज़ ऑफ़ कार्बन माइक्रोफोन्स कार्बन माइक्रोफोन का बहुत ही कम यूज़ हो गया आजकल फॉर द सर्टिन फ्रीकुनसी रेंजेस इट जस्ट यूज़ इन टेलीफोन सिस्टम इनमें जो फ्रिकुनसी रेंजेस होती हैं बहुत ही सर्टेन होती है इस कारण इसको हम लोग यूज़ करते हैं टेलीफोन सिस्टम में

इस कारण से इसका यूज खत्म हो गया ना के बराबर होता है इट्स ओनली यूज इन टेलीफोनी सिस्टम अब मूविंग कोयल माइक्रोफोन के बारे में पढ़ते हैं मूविंग कोयल माइक्रोफोन को एक नाम और से भी जाना जाता है डायनविक माइक्रोफोन इट्स मोस्टली यूज इन माइक्रोफोन ये जो बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला माइक्रोफोन है ये हर फील्ड में यूज किया जाता है दिस माइक्रोफोन इज यूज इन एवरी फील्ड्स ओके एंड प्रिंसिपल डायनेमिक माइक्रोफोन का जो प्रिंसिपल है डायनेमिक माइक्रोफोन और मूविंग क्वाल माइक्रोफोन वर्क्स ऑन ये जैसे कि कोई कोई तार है उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जो तार है वो मूव करने लगता है तब उसमें धारा जनरेट हो जाती है इसे ये है कहते हैं ये इसका प्रिंसिपल है और इसका कंस्ट्रक्शन जो है इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है जो डायनेमिक माइक्रोफोन होता है अ कॉयल ऑफ वायर सराउंड्स अ मैग्नेट एक मैग्नेट होता है जिसके चारों तरफ कॉयल लपेटा हुआ है ठीक है एंड इज कनेक्टेड टू द डायफ्राम और जिसको कि डायफ्राम से कनेक्ट कर दिया गया है विच वाइब्रेट्स इन रेस्पॉन्स टू इन कमिंग साउंड जैसे ही साउंड वेव दिया जाता है तो उसमें जो डायफ्राम है वो वाइब्रेट करने लगता है ठीक है वन साउंड वेव्स हिट द डायफ्राम जैसे ही साउंड वेव हिट करते डायफ्राम को द तो कोयल ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ और जो क्वाइल है बैक और फोर्थ कुछ इस इस प्रकार से मतलब ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मूव करने लगता है तो बैक एंड फोर्थ मूव करता है जनरेटिंग अ करेंट विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो एक मतलब जो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं तो उससे एक कैं करेंट जनरेट होती है जिसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं तो ये हो गया और इनका जो वर्किंग है कुछ इस प्रकार है जैसे ही हम लोग साउंड सिग्नल डालते हैं डायाफ्राम पे तो डायाफ्राम हिलता है मीन्स वाइब्रेट करता है जिसके कारण कोयल में मैग्नेटिक फील्ड में मतलब जो कॉयल जो है मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्वियसली रखा हुआ है तो वो भी मूव करने लगती है कॉयल की इस गति के कारण एक फ्लक्स जनरेट होता है जिसको कि क्या कहते हैं मतलब फ्लक्स में कुछ चेंजेज होते हैं और जिस वजह से इलेक्ट्रो इंडक्शन के कारण कॉयल में ई एम एफ हो जाता है तो इसे कहते हैं मूविंग कोयल माइक्रोफोन और इसके जो एडवांटेज हैं इसके कार्य करने के लिए इसके बाहरी बायस की जरूरत नहीं पड़ती है तथा ये सस्ते होते हैं जो मूविंग कोयल होते हैं वो सस्ते होते हैं अब कॉर्डलेस माइक्रोफोन की बात करते हैं कॉर्डलेस माइक्रोफोन इज ऑल्सो नोन एज वायरलेस माइक्रोफोन इसे वायरलेस माइक्रोफोन के भी नाम से जानते हैं एंड इट डजेंट अटैच टू एनी साउंड रिकॉर्डिंग और एनी एम्पलीफाइंग डिवाइस और एनी केबल्स ये किसी भी किसी भी केबल या साउंड किसी भी प्रकार के साउंड या एम्प्लीफिकेशन टाइप्स के डिवाइस से अटैच नहीं होते हैं इट्स ऑल्सो नोन एज रेडियो माइक्रोफोन इसे रेडियो माइक्रोफोन के नाम से भी जाना जाता है रेडियो माइक के भी नाम से जाना जाता है कॉर्डलेस हैव टू टाइप्स जो कॉर्डलेस माइक्रोफोन्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं पहला तो ये एक प्रकार की माइक होती है जो बॉडी के साथ रखा जाता है और इसमें साथ नहीं रखते हैं मीन्स एक ऐसा माइक्रोफोन जिसको हम अपनी बॉडी से अटैच करके रख सकते हैं और एक ऐसा माइक्रोफोन जिसको हम बॉडी से अटैच करके नहीं रख सकते इन दिस वी यूज़ वी एच एफ एंड यू एच एफ इन दिस वी यूज़ एफ एम मॉडूलेशन इसमें हम लोग एफ एम मॉडूलेशन का यूज़ करते हैं पर कभी कभी डिजिटल मॉडूलेशन का भी यूज़ करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाउड स्पीकर के बारे में बात करेंगे टेस्ट और लाउड स्पीकर डायरेक्ट रेडिएटिंग एंड हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर और इनडायरेक्ट रेडिएटिंग लाउड स्पीकर फिर उसके बाद मल्टी स्पीकर सिस्टम हाईफाई स्टीरियो एंड डॉल्बी सिस्टम थैंक्स फॉर वॉचिंग